हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा केजी चिकन ही लिया है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। ये मेरा करी कट था और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून जितना दही ऐड किया है। इसमें 1 टीस्पून जितना हम नमक डालेंगे, 1 टीस्पून जितना मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हम इसे मैरिनेट करके रात भर के लिए भी रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 5 से 6 घंटे के लिए भी इसे मैरिनेट करके छोड़ दीजिए। मेरे पास कम टाइम था, इसलिए मैंने इसे 2 घंटे ही मैरिनेट किया है। तो हम इसे अब ढक करके 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम यहाँ एक पैन गैस पे डालेंगे। इसमें हम कुछ मसाले ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून जितना मैंने गोटा धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून जितना जीरा लिया है और 2 टीस्पून हम इसमें सौंफ डालेंगे और इसे हम रोस्ट कर लेंगे। अब देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ एक मिक्सर के जार में हम एक छोटे साइज का प्याज लेंगे और मैंने 4 हरी मिर्च यूज की है। आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं और इसे हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट हो गया है हमारा तैयार, जिसे हम साइड रख देते हैं। यह पैन को मैंने फिर से गैस पे डाला है। इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून जितना रिफाइंड ऑयल और अब हम इसमें डाल देंगे गरम होने के बाद 2 बड़े साइज का प्याज, जिसे मैंने स्लाइस में कट किया है। और हम इसे भून लेंगे तब तक जब तक इसका हल्का कलर रेड ना हो जाए। इसे हम बहुत ज्यादा कलर हमें रेड नहीं करना है, बस हल्का ही करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा हल्का लाल हो गया है, तो हमें बस इतना ही चाहिए था। अब हमने जो प्याज और मिर्च का पेस्ट तैयार किया है वो हम इसमें सारा ही ऐड कर देंगे और अब इसे हम थोड़ा भून लेंगे। फ्रेंड्स, अब भुनने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अब हम इसे भून लेंगे। तो अब ये मेरा अच्छे से भुना चुका है। तो फ्रेंड्स, हमने जो चिकन रखा था मैरिनेट करके वो हम इसमें सारा ट्रांसफर कर देंगे और साथ में जो मसाले हैं इसके वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और अब हम इसे भून लेंगे। इसे हम डाल देंगे गैस को मीडियम फ्लेम पे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे चिकन को पकने तक पकाएंगे। यहाँ एक जार में हमने जो रोस्ट किया थे मसाले वो डाल देंगे और उसका हम पाउडर बना लेंगे। तो पाउडर हमारा तैयार है। तो हम फिर से मिक्सर के जार में मैंने 10 बादाम को गर्म पानी में भिगो के रख दिया था और उसके हमने छिलके निकाल लिए हैं और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना काजू। हमें यूज करना है 1 कप दूध। 1 कप दूध में मैंने थोड़ा सा दूध अभी ऐड किया है और इसी से मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया और ये जो दूध बचा है उसे हम यूज करने वाले हैं। इसे अभी हम साइड रख देंगे। यहाँ हम चिकन को भून लेंगे। मैंने गैस को मीडियम हीट पे ही रखा है और अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। हमने मैरिनेट करते समय भी नमक डाला था, इसका ध्यान रखते हुए ही आप इसमें नमक ऐड करें और फिर से इसे मिक्स कर लें।
तो हमने जो मसाले को पीस लिया था रोस्ट करके, वो मसाले में से सारे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें से हम सिर्फ 1 टेबल स्पून जितना मसाले बचा लेंगे और बाकी को हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छे से भुना चुके हैं और ये हमारा चिकन भी बहुत हद तक पक चुका है। तो अब हमने जो काजू और बादाम का पेस्ट तैयार किया था उसमें उसे हम मिक्स कर देंगे, पूरा चिकन वाली रेसिपी में डाल देंगे। और ये हमारा आधा कप दूध और है वो भी हम इसमें सारा ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें ग्रेवी हम दूध का ही ऐड करने वाले हैं, हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। तो टोटल मैंने 1 कप जितना ही दूध इसमें ऐड किया है। अब हम इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम ग्रेवी में उबाल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ग्रेवी में उबाल आ चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टी स्पून जितना चिली फ्लेक्स और 1 टी स्पून जितना कसूरी मेथी। चिली फ्लेक्स फ्रेंड्स आप घर पर भी बना सकते हैं, इसका तरीका मैंने अपने चैनल पर डाला है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी। और 1 टी स्पून जितना जो हमने रोस्ट किया हुआ मसाला पाउडर बचा के रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है, लो हीट पे अब हम इसे 5 मिनट ढक करके छोड़ देंगे। पांच मिनट हो गया है फ्रेंड्स, अब आपका चिकन तैयार है सर्व करने के लिए। गैस को बंद कर दें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें, रोटी चावल जिसके साथ खाना चाहे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर टैप करें। धन्यवाद।